गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। फिलहाल मैं भी ठीक ही हूँ। आज मूड थोड़ा सुबह से ऑफ सा था। बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, बहुत टेंशन। क्या बताऊँ, मैं अभी शेयर भी नहीं कर सकती किसी के साथ। फिलहाल तो ये सब है, बाकी तो बारिश हो रही है बाहर। मैं दिखाती हूँ बारिश, बारिश देख के खुश हो जा। बाहर हो रही है बारिश, मौसम है खराब। ये देखो ड्रॉपलेट्स, ये बल्ब चमक रहा है, मेरे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ये ना सोचना कि मौसम साफ होने वाला है। ये देखो नीचे व्यू व्यू व्यू, कहा था ना रोज दिखाऊंगी, बट ये है कि आज बारिश हो रही है यार। इतना सारा ट्रैफिक इस टाइम, ये देखो तो एक साथ ही चले हुए ये लोग, कहीं लंगर लगाए, लंगर लंगर करने जा रहे हैं ये सब। स्कूल बस भी जा रही है, स्कूल बस, स्कूल बस, तो ये सब चल रहा है फिलहाल। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं कर रखा है, कुछ मन भी नहीं कर रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया सुबह सुबह ही। बट चलो, होता रहता है। पापा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे ही पता नहीं। फिलहाल तो सारा काम भी ऐसे बिखरा पड़ा है। ये देखो, यहाँ से नहीं दिख रहा, वो देखो सुबह चपातीस बनाए, इधर इधर, ये देखो सुबह चपातीस बनाई थी, उसका भी खिलारा ऐसे ही पड़ा है, बर्तन भी सारे धोने को पड़े हैं। हाय सारे दो चार, मतलब चलो लाइट जला लेते हैं। ओह, ये तो ऑफ कर दी जो थी, ये लो ऑन हो गई है, ऑन हो गई। बाकी ये देखो हमारे बहुत से बॉक्स वगैरह आ रहे हैं आजकल, मतलब सामान आ रहा है धीरे धीरे, तो सब कुछ अनबॉक्सिंग के लिए भी पड़ा हुआ है, तो बहुत काम है यार, बहुत सारे डब्बे हैं अनबॉक्स करने के लिए। ये क्या, इसके नीचे क्या रखा है? ओह, ये तो खा ली है यार, इसको टांग दो यहाँ पे। तो ये सब चल रहा है यार, गिरे जा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। और ओ यार, मैंने सुबह की सब्जी भी नहीं देखी, शिट, और ये काली भी होगी होगी, मैं भूल गई यार गाइस। चलो ये सारे काम कर लेते हैं पहले। सो गाइस, हमारा सामान आ रहा है आजकल नया नया। आज मैं सोच रही हूँ आज हम सारे बॉक्स वगैरह, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब बॉक्स अनपैक करेंगे, ठीक है? आज हमारा ये रहेगा, देखेंगे डब्बों में से क्या क्या निकलेगा। चलो पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, निपटते हैं सारा कुछ, साफ सफाई एंड ऑल सब कुछ करके। आज मैंने सोचा था यार, यार शायद इसमें वैक्यूम क्लीनर भी आ गया होगा, चेक करना पड़ेगा। काश वैक्यूम क्लीनर हो, उसके बाद मेरी प्रॉपर सफाई हो जाएगी, तो हम नीचे भी बैठ सकते हैं कहीं भी मज़ेदार अपना। अभी थोड़ा ऐसा सा लग रहा है कि यार सफाई करनी है, सफाई करनी है। पहले सफाई हो जाएगी अच्छे से, देखते हैं काश आज वैक्यूम क्लीनर निकल जाए बॉक्स में से किसी। तो चलो देखते हैं क्या क्या आया है। फिलहाल ये सारा ख़त्म करती हूँ और उसके बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। हे गाइस, एक सीन हो चुका है, हमारे पास कटर नहीं है, यहाँ पर सीजर्स पता नहीं कहाँ पे है, लाए भी हैं कि भूल गए हैं लाना, क्योंकि मैंने दोनों बैग्स तो जो खाली कर दिए हैं उसमें तो सीजर्स नहीं थी, एक बैग बचा है अब अनपैक करने के लिए। अब उसमें मुझे लग नहीं रहा उसमें होगी, पर चलो उसको भी देख लेंगे, पर मेरा वो अभी अनपैक करने का मन नहीं कर रहा। मैं परसों से सोच रही हूँ उसको अनपैक कर देती हूँ, कर देती हूँ, बट मन नहीं कर रहा। क्या करूँ, उसको अनपैक कर लें क्या पहले, समझ सा नहीं आ रहा। बट यार उसमें बहुत सारा सामान है, वो भी छोटा छोटा, तो अब मैं कैसे करूँ? आई थिंक मुझे पहले वही बैग अनपैक कर लेना चाहिए, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो मैं फटाफट वो बैग खाली कर लेती हूँ, देखते हैं उसमें सीजर्स है कि नहीं, नहीं तो फिर हमें छुरी से काम चलाना पड़ेगा। चाकू मैं इसलिए यूज़ नहीं करना चाह रही थी क्योंकि हम एक ही चाकू लेकर आए हैं यार अपने साथ, एक चाकू एक पिलर, तो हम यही लेके आए थे सिर्फ अपने साथ, तो फिलहाल हमारे पास वही है। और अगर वो टूट वूट गया तो फिर हम काय से काटेंगे सब्जियाँ एंड ऑल। तो मैं सोच रही हूँ फिलहाल कि क्या किया जाए। चलो उस बैग को अनपैक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसमें है गाइस बहुत सारा सामान, मतलब छोटा छोटा है इसलिए बहुत लग रहा है, और इसमें आलस हो रहा है, तो चलो अब कर ही लेते हैं जब करने लगे हैं तो। गाइस, मुझे इतने दिनों बाद मेरी चीज़ मिल गई खाने के लिए, मैडिंगल्स। मैडिंगल्स मुझे उतने भी पसंद नहीं है, बट इस टाइम मुझे मैडिंगल्स की वैल्यू भी समझ आ रही है यार। चटपटी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें मिलती हैं। वाह, मैडिंगल्स खाऊंगी मैं पहले, फिर उसके बाद करूँगी बाकी का काम। ये वाला बैग मुझे सबसे पहले अनपैक करना चाहिए था, एक्चुअली मम्मा ने डाली है कुछ एक चीज़ें तो मुझे पता नहीं था, और इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है फिलहाल। तो चलो खाते हैं मैडिंगल्स। अग्गी गाइस, सारा सामान यहाँ से ऐसे ऐसे करके वहाँ एक एक करके ले जा रही थी, वहाँ पहुँचा रही थी। चलो अब सारा बैग चेक लिया जाए, क्योंकि अब ये उठाया भी जाएगा, पहले हैवी था, पहले उठाया नहीं जा रहा था। पहले पता था पापा से यहीं पे रखवाती, पता ही। चलो लगभग हमारा काम हो ही चुका है, थोड़ा सा सामान बचा, फटाफट डालते हैं। ये देखो गाइस, और खजाना मिला है, ओरियो बिस्किट एंड नूडल्स, ये फाइनली गाइस ये काम भी हो गया। थक गई यार, मतलब छोटे छोटे सामान ऊपर अलमीराज में पहुँचाना बहुत मुश्किल है,
ऊपर से मम्मा ने एक एक सामान में पैकेट लगाया हुआ था बाहर से, मतलब एक पैकेट फिर उसके अंदर वो पैकेट, इस तरह से मम्मा ने सारा सामान पैक किया था। बट मुझे लास्ट में समझ आया मम्मा ने ये क्यों किया है, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा बैग के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। दिखाती हूँ, ये देखो कि मम्मी ने सारे पैकेट के अंदर पैकेट डाले हुए थे, और ये देखो नीचे नमक वमक वगैरह गिर गया हुआ है कुछ कुछ चीज़ें। तो ये काम मम्मा ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया था, अदरवाइज मेरे को सब कुछ साफ कर करके रखना पड़ता ऊपर। तो चलो ये काम भी हो गया। बट एक कलोल सुनो, जिसके लिए मैंने ये पूरा बैग अनपैक किया वो हमें नहीं मिली। कौन नहीं मिली गाइस? सीजर्स, भूल गए आप लोग, अभी तो बताया था मैंने पहले, सीजर्स नहीं मिली यार। और सीजर्स के बिना मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली एक दो बैग होते तो ठीक था, बट ये इतने सारे बॉक्सेस हैं तो मैं इतने सारों को मैं ऐसे नहीं कर सकती ना अनपैक। कटर का ज़रूरी था इस टाइम, कटर होता तो सही था, पर अब ये है करना तो पड़ेगा। अब चाकू का मैं क्या करूँ यार, चाकू से ही कर दूँ क्या? पर चाकू ख़राब हो गया तो, टूट वूट गया तो, चलो करते हैं ट्राई कैसे होगा। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सीजर्स गई तो गई कहाँ? स्पेशली खरीदी थी हमने एंड मोमेंट में सीजर्स यहाँ के लिए, और अब वही नहीं मिल रही, बताओ। बहुत ज़रूरी है यार। चलो ढूंढनी पड़ेगी, एक बैग बचा है पापा वाला, उसमें हुई तो हुई, वरना क्या, फिर बिना सीजर्स के काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ बैठ कर करेंगे हम अनबॉक्सिंग। और आप सोचोगे कि मैं कारपेट के ऊपर एक और कारपेट क्यों बिछा रही हूँ, ये नीचे वाला कारपेट थोड़ा साफ सा नहीं है, अभी इसमें वैक्यूम वगैरह करना है तो इस वजह से। और ये वाला कारपेट न्यू है, इस पर बैठूंगी और फिर अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलो सारे बॉक्स यहाँ पर ले आते हैं। गाइज मुझे लग रहा है फिलहाल इन्हीं को अनबॉक्स करते हैं पहले, बाकी बाद में देखते हैं। मैं चेक करने आई थी कि बारिश लगी है कि रुक गई है, तो फिलहाल तो बारिश आई थिंक रुक चुकी है। सही है यार मौसम आज बाहर का। किससे शुरुआत करें? आई थिंक पहले इनको खोलना ईजी रहेगा, इनको ओपन करते हैं। बैठ जाओ भाई आराम से, तसल्ली से करो। सारे बॉक्स ओपन कर दिए हैं और फिलहाल सिर्फ एक बॉक्स ओपन नहीं किया है, और उसमें सामने दिख रहा है कि यार उसी में वैक्यूम क्लीनर है। मैं बिना मैंने ध्यान ही नहीं दिया कल शाम से लेकर कि मैं देख ही लूँ, मुझे लगा बॉक्स से नहीं पता लगेगा, और अभी दिखा मुझे वो सामने। ये देखो गाइस, इसमें अच्छा भला वैक्यूम क्लीनर बना हुआ है, और इसमें लिखा हुआ भी है मल्टी फ्लोर क्लीनिंग लाइट वेल फलाना ढिमकाना जो भी है। बाकी मैं भी गाइस दिखा देती हूँ मैं क्या क्या है। इसमें भी लैम्प है, ओके, इसमें भी लैम्प है, ओके, और इसमें भी लैंप है। तो हमारे पास फिलहाल तीन लैंप्स पड़े हैं और उनको हमें अभी जोड़ना पड़ेगा। और ये देखो रोटी मेकर, ये भी यूज़ होगा अब कल से, वैसे पापा के लिए सही है, मेरे लिए तो इसका अभी ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ इसकी ज़रूरत थी, पापा के लिए सही है। अब मुझे आलस हो रहा है कि कौन इंस्ट्रक्शंस पढ़े पहले और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वैसा वैसा करे, लैंप्स को जोड़े ये सब। वैसे आप में से कोई है जो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है हर चीज़ की, मतलब जैसे आपके घर पे कुछ भी नहीं हुआ है कि आप पहले उसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ो फिर उसके अकॉर्डिंग वो सब यूज़ करो? हम तो लगभग ऐसा होता है कि नहीं करते ऐसा। बट अब देखना पड़ेगा लैंप्स का क्या सीन है, पहले देखते हैं उनको, ट्राई करते हैं, नहीं होगा फिर तो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी। ये वाले देखते हैं पहले, ये दो लैंप्स हैं सेम से। ओह ये तो खाली डब्बा है, लैंप कहाँ गया? ये रहा, इसको हमने एक बॉक्स खोल दिया। पहले ये वाला ट्राई करते हैं, इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे वाला वैसे ही हो जाएगा। फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई टूल ही नहीं है यार, ना स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी नहीं लेकर आए हैं हम। अब वो किसी से अरेंज करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये आज नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे रख देते हैं। फिलहाल वैक्यूम क्लीनर खोलते हैं, वो हमारे काम की चीज़ है। ये रहा हमारा रोबोट की तरह लग रहा है वैक्यूम क्लीनर, और ये रहे इसके कुछ पार्ट्स जो हमें इसमें अभी अटैच करने हैं, बाकी देखते हैं ये कैसे कैसे यूज़ होगा।